नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किवोफ्लैम टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, किवोफ्लैम टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और किवोफ्लैम टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि किवोफ्लैम टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। किवोफ्लैम टैबलेट का उपयोग शरीर में दर्द होने पर और सूजन को कम करने के लिए किवोफ्लैम टैबलेट का उपयोग किया जाता है। यदि आपके शरीर पर कोई चोट लगने की वजह से सूजन आ गई है तो किवोफ्लैम टैबलेट दर्द के साथ साथ सूजन को भी कम करती है और कोई चोट लगने पर घाव को जल्दी ठीक करने में मदद करती है। किवोफ्लैम टैबलेट का उपयोग शरीर की मांसपेशियों में दर्द होने पर, शरीर की हड्डियों व शरीर के जोड़ों में दर्द होने पर, दांतों में दर्द होने पर, कमर में दर्द होने पर, कान में दर्द होने पर और गले में दर्द होने पर आदि कंडीशंस में किवोफ्लैम टैबलेट का उपयोग किया जाता है। रूमेटोइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस होने पर जोड़ों में दर्द और सूजन को कम करने के लिए भी किवोफ्लैम टैबलेट का उपयोग किया जाता है। कोई सर्जरी होने के बाद या कोई एक्सीडेंट होने के बाद घाव को जल्दी ठीक करने के लिए और सूजन को कम करने के लिए भी डॉक्टर किवोफ्लैम टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में किवोफ्लैम टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में किवोफ्लैम टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे बदहजमी होना, पेट में दर्द होना, पेट में जलन होना, कब्ज होना, उल्टी आने का मन होना, त्वचा पर खुजली होना, त्वचा पर रैशेस होना, भूख कम होना, दस्त होना और लिवर एंजाइम बढ़ सकते हैं। ज्यादा लंबे समय तक या ज्यादा डोज में किवोफ्लैम टैबलेट को लेने से किडनी व लिवर डैमेज हो सकते हैं और शरीर में खून की कमी हो सकती है। एलर्जिक रिएक्शन किसी को भी और किसी भी दवा से हो सकता है। यदि आपको किवोफ्लैम टैबलेट को लेने के बाद सांस लेने में दिक्कत, मुंह, गले, होठों या त्वचा पर सूजन, त्वचा पर खुजली, त्वचा पर रैशेस या किवोफ्लैम टैबलेट को लेने के बाद एकदम से बुखार होता है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि ये लक्षण एलर्जिक रिएक्शन के हो सकते हैं और एलर्जिक रिएक्शन होने पर तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि किवोफ्लैम टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। किवोफ्लैम टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना रिकमेंडेड होता है। आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर किवोफ्लैम टैबलेट को दिन में 2 से लेकर 3 बार लेने की सलाह देते हैं। कुछ व्यक्तियों को डॉक्टर केवल दर्द होने पर ही किवोफ्लैम टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। किवोफ्लैम टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको किवोफ्लैम टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि किवोफ्लैम टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। पेट में अल्सर होने पर, पेट या आंतों में ब्लीडिंग की समस्या होने पर, किडनी, लिवर या दिल से संबंधित कोई गंभीर बीमारी होने पर किवोफ्लैम टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है, इसलिए इन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह के बिना किवोफ्लैम टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। लगातार 2 सप्ताह से अधिक किवोफ्लैम टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना 2 सप्ताह से अधिक किवोफ्लैम टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। किवोफ्लैम टैबलेट के साथ शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए किवोफ्लैम टैबलेट का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को किवोफ्लैम टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका किवोफ्लैम टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।